एवरीवन, आज का मैच बहुत ही हटके रहा है, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल का एक मैच ऑलरेडी जीत चुके थे और मुझे लग रहा था चेन्नई सुपर किंग्स ही बाजी मार के लेके जाएंगे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने तो क्या रॉयल तरीके से ये मैच जीता है। उनका स्कोर देखिए, क्या स्कोर खड़ा किया उन्होंने, 216 इज द स्कोर, मैसिव स्कोर क्रिएटेड बाय राजस्थान रॉयल्स एंड इट वॉज द बिगेस्ट चेज फॉर चेन्नई। एंड ये स्कोर देख के ही मुझे लग रहा था चेन्नई के हाथ से अब तो मैच निकल गया एंड वही हुआ। बात करते हैं मैच के हीरोज की, राजस्थान रॉयल्स के रॉयल्स की। रॉयल्स रहे हैं आपके सैमसन और स्मिथ। सैमसन और स्मिथ ने क्या अमेजिंग पारी खेली, क्या स्कोर खड़ा किया एंड उसके ऊपर चेरी ऑन द टॉप इज जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर ने जो स्कोर ऐसा लग रहा था कि चलो 200 तक नहीं जाएगा शायद स्कोर, वो 4 छक्के बैक टू बैक उन्होंने जड़ दिए जोफ्रा आर्चर ने और वो स्कोर को 200 तो क्या 216 ले गए। सो बहुत ही सही पारी खेली, इनिंग्स थी राजस्थान रॉयल्स की। एंड उसके बाद बॉलिंग वॉज सुपर, बहुत ही अमेजिंग बॉलिंग की उन्होंने। 16 रन से राजस्थान रॉयल्स जीती है चेन्नई सुपर किंग्स से। सैमसन स्मिथ और आर्चर के अलावा जो चौथा इंसान है राजस्थान रॉयल्स का जिन्होंने फुल ऑन इम्प्रेस किया है हम सबको, वो है राहुल तिवाटिया जी। उन्होंने मैच का रुख बदल दिया, उनके आने से मैच में ऐसा मोमेंटम शुरू हुआ ना विकेट्स गिरने का कि मतलब वहाँ से यू कैन से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बिखरती चली गई। तो वो एक हमारे चौथे हीरो हैं जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स को राजा बना दिया एंड सीएसके की बैंड बजा दी। सीरियसली राहुल तिवाटिया, हैट्स ऑफ टू यू। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि राहुल तिवाटिया ने कौन से ओवर से क्या कमाल दिखाना शुरू किया। राहुल तिवाटिया ने 7th ओवर में पहली बात तो सिर्फ 4 रन दिए, उसके बाद उन्होंने वॉटसन को बोल्ड कर दिया। वॉटसन सेट बैट्समैन थे चेन्नई सुपर किंग्स के और उन्होंने 21 बॉल्स में 33 रन्स बनाए थे। अब यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ विकेट्स के गिरने का 7th ओवर से। 7th ओवर में वॉटसन गए, उसके बाद 8th ओवर में आए श्रेयस गोपाल। श्रेयस गोपाल ने विकेट लिया विजय का। 9th ओवर में गए 2 विकेट्स जो लिए राहुल तिवाटिया ने, एक सैम क्यूरन का और दूसरा ऋतुराज गायकवाड़ का। इसके बाद सीएसके टीम से मैच हाथ से उनके निकल गया था। 9th ओवर में ही उनके काफ़ी अच्छे बल्लेबाज पवेलियन पधार चुके थे तो इसके बाद मैच संभल नहीं पाया। एंड गाइज, इस मैच में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जो मैंने नोटिस की। इनफैक्ट अभी लास्ट मैच में प्रीति जिंटा ने ट्वीट किया था कि यू नो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाना चाहिए एंड ऑल, बीसीसीआई के लिए उन्होंने ट्वीट किया था। तो इस मैच में भी ऐसा ही कुछ होते होते रह गया एंड अच्छा हुआ रह गया एंड टॉम क्यूरन आउट नहीं हुए। जब टॉम क्यूरन खेल रहे थे तो अंपायर ने उन्हें एक बार के लिए आउट किया था, उनको लगा था कि जो बॉल है वो बैट से लग के कॉट बिहाइंड हुई है एंड उनको आउट दिया गया था। बट देन जब रीप्ले हुआ तो हैरानी की बात ये थी कि बॉल बैट पर लगी ही नहीं थी एंड कैच भी नहीं हुआ था। दैट्स वाई जब अंपायर ने उनको आउट दिया था तो आप अगर एक्सप्रेशन देखेंगे टॉम क्यूरन का तो ही वॉज वेरी सरप्राइज कि What happened? Like, how are they giving me out? So, अगर वो replay नहीं होता and उन्हें out दे दिया जाता तो ये player के लिए बहुत ही गलत बात है। So, ये चीज़ एक match में हुई थी, वो तो अच्छा है कि उन्हें out नहीं दिया गया and team जीत गई राजस्थान Royals. So, guys, बहुत ही interesting match था ये and I really enjoyed the match and I'll see you soon. Soon क्या मतलब, मैं आपके साथ रोज ही बने रहूँगी with the daily reviews of IPL match. Bye.